मिर्जापुर में स्थित चौधरी क्रेशर प्लांट में विगत कई वर्षों से विधि विरुद्ध तरीके से मानक के विपरीत वन विभाग की जमीन से पत्थर निकालकर वन विभाग के पिलर से सटकर गाटा संख्या एक में इनके खुद के काश्त की भूमि व अवैध कब्जा ग्रामीणों की भूमि में बिल्कुल अवैध तरीके से पत्थर खनन का कार्य किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इनकी चौधरी ट्रांसपोर्ट की कई ट्रक बिना परमिट के अवैध तरीके से ओवरलोड माल लादकर पिछले कई वर्षों से भारी राजस्व की क्षति पहुंचाते चले आ रहे हैं, क्योंकि क्रेशर मालिक भूमाफिया किस्म के हैं और जितनी जमीन उनकी है उससे कहीं ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, जिसकी वजह से गांव वाले काफी परेशान हैं। अवैध खनन विभाग और एनजीटी के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि एनजीटी के विपरीत जाकर दिन में कई बार व रात में कई बार हैवी बारूद का गुल्ला लगाकर ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसके कारण पिछले वर्ष बेलहरा गाँव में एक कुआं अचानक ब्लास्टिंग होने से ढह गया और गाँव के ही मनोज पुत्र स्वर्गीय राम दुबे उसी कुएं में गिरकर उनकी मौत हो गई और नित्य ब्लास्टिंग के कारण आसपास के सभी पक्के मकान की दीवारों में भी दरारें हो रही हैं। इसके साथ ही मकान गिरने की संभावनाएं बनी रहती है, जिससे बड़ी धन व जन की हानि भी हो सकती है। वहीं ऐसी स्थिति में यदि चौधरी क्रेशर प्लांट की अवैध ब्लास्टिंग को तत्काल नहीं रोका गया तो भविष्य में काफी जनधन की हानि होने की संभावनाएं हैं। अतः तहसील मड़िहान मिर्जापुर में अवैध तरीके से चल रहे इस क्रेशर प्लांट को तत्काल विधिक कार्यवाही करने की, तत्काल रूप से बंद करने की लोगों ने प्रार्थना की है। ये बताएं कि आज आप जिलाधिकारी को पत्र दिए हैं, क्या मामला है, किस लिए दिया है आपने? मामला है कि मिर्जापुर जनपद में पर्यटन क्षेत्रांतर्गत एक ग्राम सभा आती है धनावल, जिसमें कि आज के 5-6 साल पहले बहुत सारे वन्य पशु रहा करते थे। अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि वहाँ पे सभी पशु पलायन कर चुके हैं, अवैध तरीके से ब्लास्टिंग चल रही है, अगल बगल के घरों में दरारें आ रही हैं, ग्रामवासी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सभी लोग तकरीबन 1-2 साल से इस ब्लास्टिंग को रोकने के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ब्लास्टिंग नहीं रुक रही है। अभी प्रेजेंट टाइम में वन विभाग की बाउंड्री से सटा हुआ इनका क्रेशर प्लांट चल रहा है, जिसमें 300 मीटर की दूरी पे खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सटा हुआ खनन कर रहे हैं वन विभाग की बाउंड्री से। तो अभी हमने प्रार्थना पत्र अपना डीएम को सौंप दिया है और आगे की कार्यवाही अब हम चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ आए हुए हैं इन सभी के अनुसार कार्यवाही हो और क्रेशर प्लांट को बंद किया जाए। ये मामला कहाँ का है? ये मामला ग्राम धनावल का है। थाना? थाना आपका आता है लालगंज और चौकी आती है लहू। तो आप डीएम साहब से मिले? जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि आपका प्रार्थना पत्र हमने ले लिया है और ये जांच का विषय है, हम जांच। ये अपना परिचय भी बताएं। जी, हम ग्राम सभा धनावल के निवासी हैं और हमारे साथ जितने भी धनावल और ग्राम बलहरा के निवासी हैं, और इन सभी लोग से भी आप बात कर सकते हैं, इन सभी लोगों से भी आप पूछ सकते हैं क्या समस्या है। थैंक यू। आज आप जिलाधिकारी को पत्र दिए हैं, क्या मामला है, किस लिए दिया है, बताएं? मामला ये है साहब कि हमारे गांव के बगल में चौधरी हैं, यहाँ स्टोन वाले, वो क्रेशर प्लांट डाले हैं, उनके प्लांट के कारण हमारी जो ब्लास्टिंग होती है उससे गाँव के सब मकान जर्जर रह हुए हैं, और हमारा वहाँ एक कुआँ भी था कृषि के लिए जीविकोपार्जन के माध्यम से, उस कुआँ में ब्लास्टिंग के कारण कुआँ हमारा गिरा, जिसके आज के 10 साल पहले हमारे चाचा की उसमें मृत्यु भी हुई थी। पूरी प्रशासन जानती है पूरी व्यवस्था, और उनसे आप 3 साल हो गया, उसका बकायदे पूरा वो है, और ये क्रेशर ये अवैध ढंग से चला रहे हैं, ब्लास्टिंग रात में कर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, पूरा घर मकान गांव में सब जीर्ण हो रहा, फट रहे हैं, पूरा हमारे पास वहाँ जो पशु पक्षी पेड़ पौधा नहीं बच रहा है, हर जो हरे वृक्ष थे आम वगैरह या जो भी सब नीचे से उखड़ रहे हैं, जल रहे हैं, आके सर्वे करें, पानी का स्टेटस भाग गया, हम लोग पीने के लिए टैंकर और टंकी से पानी मंगा रहे हैं, काफ़ी समस्या है। इस पर हम लोग को मतलब न्याय मिलना चाहिए। ये मामला कहाँ का है? और बलहरा धनावल का है, धनावल गाँव में क्रेशर है और हम बलहरा के वासी हैं, बलहरा निवास है, आधा किलोमीटर की दूरी है। थाना कौन सा है? अब हम लोग का मड़िहान है, लालगंज। इसकी शिकायत आप अब तक आपने कहाँ कहाँ की है? अभी हम यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब से। उनसे तो कई बार कहा गया और उनसे बोला गया, उनसे रिक्वेस्ट हम लोगों ने किया था जब हमारे चाचा का हुआ, तब भी बोला गया कि आप इस तरह से ब्लास्टिंग न करें, ब्लास्टिंग इस प्रकार से हो रही है कि पूरा मकान हिल रहे हैं, जैसे भूकंप आ रहा हो गाँव में, इस प्रकार से वो ब्लास्टिंग करवा रहे हैं वहाँ पे। अरे इतना गड्ढा कर दे, पानी का लेवल पूरा उल्टा जा रहा है, दूसरी दिशा में बह रहा है। जी, अपना परिचय भी बताएं। हमारा परिचय आशीष दुबे, हम बलहरा से हैं।
क्या चाहते हैं इसमें? हम चाहते हैं न्याय होना चाहिए, ब्लास्टिंग वगैरह बंद हो, हम लोगों को देखा जाए, उससे सरकार से निवेदन है कि वो जाके हमारा मुआयना करें, सर्वे करें, हमारे गांव की स्थिति क्या है, हम लोग कैसे जिए, बस ये चाहते हैं। हमें रास्ता मिलना चाहिए ना, हमें वहाँ बच्चे हैं, हमारे आगे का भविष्य है, सब नष्ट होने के कगार पे है। थैंक यू। मिर्ज़ापुर से क्राइम ब्यूरो आशीष पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।